जनपद मैनपुरी में अलग सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत हुई है। दुर्घटनाग्रस्त कार से घायलों को निकालने के बाद कार आग के गोले में तब्दील हो गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र का है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 82 का है, जहां शामली से लखनऊ जा रही बुलेरो कार आगे जा रहे कंटेनर ट्रक से पीछे से जा घुसी। सूचना मिलते ही करहल थाना प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल सिंह अपने पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा उपचार हेतु सैफई अस्पताल पहुंचाया। घायलों को बुलेरो कार से निकालते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गया। आग की विकराल रूप देख यूपीडा कर्मचारी विकराल आग को बुझाने की भरकस कोशिश करते रहे। आखिरकार तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड एवं यूपीडा कर्मचारियों ने करहल थाना पुलिस के सहयोग से आग पर काबू पाया। उधर उपचार के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई एवं आबकारी विभाग के घायल सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। बहरहाल आग का गोला बनी बोलेरो कार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के से हटाकर आवागमन सुचारू किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार सा ये वाहन आग के गोले में तब्दील हुई है और ये जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो किस तरह से आग बुझाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं।